हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केसी कंप्यूटर्स। तो आज हम रिव्यू और अनबॉक्स करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्राफिक कार्ड को जो कि एम्पियर आर्किटेक्चर बेस्ड है और ये आपका गेमिंग एक्सपीरियंस पूरी तरह से चेंज करने वाला है। एक GPU परफॉर्मेंस बैंगर है, NVIDIA 3000 सीरीज का टॉप ऑफ द लाइन। हेयर आई प्रेजेंट यू RTX 3090। फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द मेन फीचर्स रियल क्विक। RTX 3090 दुनिया का सबसे फास्ट ग्राफिक कार्ड है जो अब तक हमारे पास आया है। इट रैंक्स एट द टॉप ऑफ GPU बेंचमार्क हायरार्की एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिंगल GPU GeForce कार्ड NVIDIA has ever developed। तो 3080 की तरह 3090 में एम्पियर आर्किटेक्चर लगा हुआ है जो कि फुल फैट GA102 GPU पर बेस्ड है। इसमें आपको 82 स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर्स, 328 टेंसर कोर्स और 82 RT कोर्स अवेलेबल हैं, जहाँ की सेकेंड जन RTX में केवल आपको 4608 ही CUDA कोर्स मिल रहे थे। तो हम यहाँ पर 6000 कोर्स का इंक्रीज देख रहे हैं। एंड गुड थिंग अबाउट RTX इज इट्स ऑल्सो रॉकिंग 24GB ऑफ VRAM, विच इज बेस्ड ऑन 384-bit बस, giving a memory bandwidth of 936 GB per second, that's nearly a terabyte of data per second। So for creators, मेरे creators भाइयों के लिए जिनको 8K की rendering चाहिए होती है, 8K की rendering on 8K preview, उनके लिए ये किसी blessing से कम नहीं है, क्योंकि 24GB of memory heavy 3D rendering के लिए बहुत ही best चीज़ जो है आपको RTX 3090 provide कर रहा है। जैसे अगर आप softwares use कर रहे हैं जैसे DaVinci Resolve या Blender, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा benefit मिलने वाला है। As you can see in the 3D benchmark, RTX 3090 destroys the score by nearly as double the amount of 2080 Ti, making it the best graphic card ever made for creators. We'll discuss about the specifications and features in a little more detail later in the video. Now let's dive into the unboxing, the favorite part. So this is the back we were talking about. तो सबसे पहले इसका फ्रंट एंड देखते हैं। तो ये है हमारा Zotac Gaming Trinity Edition ग्राफिक कार्ड। तो ये कुछ उसके फीचर्स जो हैं इस बॉक्स के फ्रंट में लिखे हुए हैं। तो 24GB GDDR6X मेमोरी बेस्ड है। Istorm 2.0 कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको Zotac जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें आपको 11 ब्लेड फैंस मिलेंगे जो कि आपके GPU को काफ़ी स्मूथली रन करने में हेल्प करेंगे। Spectra 2.0, FreeStack एंड Firestorm ये उसके कुछ फीचर्स हैं, ये आगे की तरफ बता रखी है। तो चलिए इसके पीछे देखते हैं। इस बॉक्स के पीछे आपको ग्राफिक कार्ड की पिक्चर और उसके कुछ फीचर्स जो हैं यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलेंगे।
So these were all the items available in the box, the main graphic card, quick installation guide, cards and stickers, two 8-pin connectors. बात करते हैं मेन ग्राफिक कार्ड की. इसके फ्रंट पर आपको तीन फैंस दिख रहे हैं. ये 11 ब्लेड फैंस हैं जो कि आपके GPU को बहुत ही अच्छी कूलिंग प्रोवाइड करेंगे. द फैन स्पीड बेसिकली इज कंप्लीटली कंट्रोलेबल यूजिंग द एम्बेडेड ज़ोटेक सॉफ्टवेयर. यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ फैन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. सो अब बात करते हैं हीट सिंक पाइप्स की. तो आपको ऊपर की तरफ हीट सिंक पाइप दिख रहे होंगे, तो एक आपको काफ़ी डेंसर क्वालिटी की GPU कंपैटिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे. यहाँ पिछली तरफ ब्लैक मेटल प्लेट है जिसपे आपको ज़ोटेक का लोगो प्रोवाइडेड है, जो कि RGB लाइटिंग पावर्ड है, जिसका कलर और इंटेंसिटी ज़ोटेक के सॉफ्टवेयर से कम्प्लीटली कंट्रोलेबल होने वाली है. इसमें आपको फ्रीज फैन स्टॉप का भी एक फीचर मिल रहा है, जो कि फैंस को स्टॉप कर देगा जब भी आपका GPU आइडल होगा. इसकी साइड की तरफ आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट अवेलेबल है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ इट्स मेन फीचर्स. तो NVIDIA और Micron ने टीम अप करके GDDR6X 24GB मेमोरी को डेवलप करा, जो कि एक अल्ट्रा फास्ट मेमोरी है वीडियो रेंडरिंग के लिए. इट यूजेस एडवांस्ड PAM4 सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी विच कैन सेंड अप टू 4 वैल्यूज पर साइकिल रेदर देन द यूजुअल 2. GDDR6X enables you to move data at twice as fast as the previous incarnation. So now let's take a look at the benchmarks that we have compared for RTX 3090, RTX 2080 Ti and RTX Titan. So now let's talk about the most important question that will come to your mind. Is it worthy to buy this graphic card? So there are two considerations that you have to take. The first one is, are you a gamer and willing to spend 1.6 lakhs or simply can buy a 3080 and want 3090? Or the second one, if you are a creator and you want it for your creation purposes. So let's talk about the former one. If you are a gamer, this will provide 10 to 20% hike in gaming performance at a very high cost as compared to 3080. So I won't say that it's a good option to go for. But for creators, it's not less than a blessing. The 24GB VRAM will provide 8K rendering on 8K preview and it'll render your videos as fast as you have ever imagined. So this was a quick review and unboxing of ZOTEX RTX 3090 Trinity. If you want a detailed review of this graphic card, let us know down in the comments below. So if you want to buy this bad boy, you can visit KC Computers. All the links and addresses are given in the description down below. Make sure you like this channel if you are feeling generous. Make sure to subscribe it, share it with your tech geek friends. And if you want reviews of some other products, let us know down in the comment down below. Good luck for now.